सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। सरकार गंभीर नाहीच आहे आणि म्हणून मी आज सांगितलं की नवी मुंबई महानगरपालिका जशी म्हणजे सुधीरभाऊ मुनगंटीवारांनी त्यांच्या भाषणात सांगितलं की विदर्भ मराठवाडा जसा वंचित आहे तसं MMR भागामध्ये नवी मुंबई ह्या विदर्भ मराठवाड्यासारखी त्याची स्थिती आहे। सभागृहाला अध्यक्षाच्या माध्यमातून सांगितलं की पुढची 20 वर्ष सुद्धा घरपट्टी पाणीपट्टी वाढू देणार नाही। 25 वर्ष नवी मुंबईच्या जनतेने माझ्या नेतृत्वाच्या अनुषंगाने या शहराचा विकास केलेला आहे आणि नवी मुंबईच्या जनतेचं हित करण्याकरता त्यांना सुखात ठेवण्याकरता जितकी प्रयत्नाची पराकाष्ठा करत एवढे आम्ही करणार आहोत। नवी मुंबई भारत में एक रोल मॉडल सिटी के रूप में जाना जाता है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि नवी मुंबई के शिल्पकार माने जाने वाले गणेश नाइक स्वयं एक रोल मॉडल राजनेता हैं। उन्होंने हमेशा से ही अपने राजनीतिक सफर में ये साबित कर दिखाया है कि क्यों उन्हें नवी मुंबई में जन नेता के रूप में जाना जाता है। गणेश नाइक ने कभी भी सत्ता में रहकर लोगों का काम करना है ऐसी भावना नहीं रखी। यही कारण है कि पिछले 50 सालों से वे लगातार नवी मुंबई के विकास का नेतृत्व करते आ रहे हैं। जब वे राज्य में कैबिनेट मंत्री थे तब उन्होंने जनता दरबार जैसे अनेक जनहित मुहिम और कार्यों से ये कर दिखाया कि एक रोल मॉडल मंत्री कैसे होता है और आज भी उनके कार्यों की सराहना पूरे राज्य में होती है और आज भी एक विधायक के तौर पर भूमिका वे उतनी ही आक्रामक तौर से निभा रहे हैं। नवी मुंबई में कोविड महामारी की चुनौतियों को मात देने वाले लोक नेता गणेश नाइक। पूरे विश्व और देश में कोविड-19 एक चुनौती बनकर सामने आया। उस समय नवी मुंबई के सभी राजनेता शहर से गायब हो गए और कई माह तक घरों से बाहर ही नहीं निकले। वही गणेश नाइक पहले दिन से ही इस महामारी का डटकर सामना करते नजर आ रहे हैं। मार्च 2020 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक हर सप्ताह नवी मुंबई महानगर पालिका को भेंट देते रहे हैं और कोविड से जुड़ी हर समस्या को गणेश नाइक उठाते रहे हैं। हर सप्ताह गणेश नाइक और उनकी टीम नवी मुंबई में लोगों से संपर्क कर कोविड-19 से होने वाली हर समस्या को समझते और उसे सुलझाने के लिए क्या करना आवश्यक है इस बात की पूरी जानकारी लेकर एक पूरे अध्ययन के साथ अपनी टीम को लेकर पालिका पहुंचते और नवी मुंबई के हित में जरूरी चीजों की मांग करते। सिर्फ नवी मुंबई महानगर पालिका ही नहीं, गणेश नाइक सिडको एवं महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के कार्यालय में भी गए। जब जब लोगों को MSEDC से संबंधित बिजली की समस्या हुई तो उन्होंने उसके लिए भी मोर्चा निकाला। नवी मुंबई में सभी समस्याओं को हर प्राधिकरण के साथ उठाने के बाद उन्होंने उस समय राज्य सरकार के हर विभाग को इस संदर्भ में पत्र लिखे और हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र शासन के बजट अधिवेशन के दौरान उन्होंने विधानसभा में जिस प्रकार से नवी मुंबई की समस्याओं पर राज्य सरकार लापरवाही बरत रही है उस पर आक्रोश व्यक्त किया, उससे पूरे नवी मुंबई में उनकी जमकर तारीफ हो रही है। आइए बताते हैं कौन कौन से ऐसे नवी मुंबई के अहम मुद्दे हैं जो गणेश नाइक ने अधिवेशन में उठाए।
नवी मुंबई में एमएसईडीसी द्वारा भेजे गए भारी रकम के बिल एवं बिजली मीटर कटौती पर उठाई आवाज। नवी मुंबई के बदलते प्रदूषण को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार पर बरसे गणेश नाइक। नवी मुंबई के गांव में रहने वाले हर प्रकल्पग्रस्त को दिया जाए जमीन का मालिकाना हक, वैध करे उनके घर। राज्य सरकार द्वारा एमएमआर क्षेत्र में कोविड के लिए आरक्षित निधि नवी मुंबई को देने के लिए किया गया सौतेला व्यवहार। अगले 20 वर्षों तक नहीं बढ़ाए जाएंगे महानगर पालिका के कोई कर। एमआरडीसी के भूखंड पर बनी झोपड़ियों को वैध किया जाए एवं झोपड़ी धारकों को मालिकाना हक दिया जाए। ऐरोली स्थित जैव विविधता केंद्र में आने वाले लोगों की व्यवस्था कर इस क्षेत्र का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाए। नवी मुंबई में शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के निर्माण के लिए अर्थ संकल्प में प्रावधान किया जाए। कन्नमवार विक्रोली से महापे उड्डान पुल का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जिसका काम जल्द से जल्द पूरा हो इसलिए अर्थ संकल्प में प्रावधान किया जाए। विधान भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए विधायक गणेश नाइक ने कहा कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में विदर्भ मराठवाड़ा वंचित है, उसी प्रकार एमएमआर क्षेत्र में नवी मुंबई वंचित है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार राज्य सरकार द्वारा नवी मुंबई को आर्थिक बल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जैसे कि उन्होंने घोषणा की थी कि 20 साल तक नवी मुंबई में पानी एवं संपत्ति कर नहीं बढ़ेगा, उसी तर्ज पर उन्होंने विधान भवन में ये घोषणा भी कर दी कि अगले 20 सालों तक नवी मुंबई में किसी भी प्रकार के करों में बढ़ोतरी नहीं होगी। सरकार गंभीर नाही से आणि म्हणून मी आज सांगितलं की नवी मुंबई महानगरपालिका जशी म्हणजे सुधीर बाबू मुनगंटीवारांनी त्यांच्या भाषणात सांगितलं की विदर्भ मराठवाडा जसा वंचित आहे तसा एमएमआर भागामध्ये नवी मुंबई हा विदर्भ मराठवाड्यासारखी त्याची स्थिती आहे। या कालखंडामधल्या राज्य शासनाचं जे काही बल आर्थिक एखाद्या शहराला मिळाला पाहिजे ते मिळू शकलेलं नाही। किंबहुना मी त्यांना सांगितलं की अशा गोष्टी असतानासुद्धा नवी मुंबईचा गेल्या वर्षी स्वच्छतेत 3रा नंबर लागला। 2000 साली मी घोषणा केली होती की नवी मुंबईच्या रहिवाशांना घरपट्टी पाणीपट्टी वाढू देणार नाही। 20 वर्ष 2020ला पूर्ण झाली 20 वर्ष आणि आता पुन्हा मी सभागृहाला अध्यक्षाच्या माध्यमातून सांगितलं की पुढची 20 वर्षसुद्धा घरपट्टी पाणीपट्टी वाढू देणार नाही, कारण निश्चित सांगतो की या 25 वर्ष नवी मुंबईच्या जनतेनं माझ्या नेतृत्वाच्या अनुषंगानं त्या शहराचा विकास केलेला आहे आणि नवी मुंबईच्या जनतेचं हित करण्याकरता त्यांना सुखात ठेवण्याकरता जितकी प्रयत्नाची पराकाष्ठा करा तेवढे आम्ही करणार आहोत। गणेश नाईक द्वारा अधिवेशन में नवी मुंबई के सभी मुद्दों को उठाने के बाद आलोचकों का मुंह बंद हो गया है। नवी मुंबई में हाल ही में नवी मुंबई चुनाव के चलते जो भी राजनेता विकास की दुहाई दे रहे थे वे नवी मुंबई के हर मुद्दे को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। जिस प्रकार वे कोविड के लॉकडाउन के समय गायब थे, उसी प्रकार अब ये राजनेता अब फिर जैसे ही नवी मुंबई मनपा चुनाव देरी से होने की खबर आई फिर गायब हो गए हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि उनकी खुद की सरकार होने के बावजूद नवी मुंबई के विपक्ष के कोई भी राजनेता नवी मुंबई की कोई भी समस्या को सुलझाने में विफल साबित हुए हैं। गणेश नाइक के कार्यकर्ता और पूर्व नगर सेवकों का ऐसा कहना है कि जिस प्रकार गणेश नाइक ने अधिवेशन में नवी मुंबई के हर मुद्दे को उठाया और नवी मुंबई को कोविड-19 मुक्त करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, उससे ये बात साबित होती है कि गणेश नाइक ही नवी मुंबई के पालक है। बाकी सब चुनावी मौसम में ही दिखते हैं और फिर जब भी लोगों की कोविड जैसी महामारी हो या फिर कोई और समस्या हो उसके निवारण के समय ये लोग फिर से गायब हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।